क्लास वन लेसन टेन हम पिछले वीडियो में देखे थे, जिसमें हम ये देख लिए थे कि सेफ्टी का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हम रोड पे किस तरह से सेफ रह सकते हैं। उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखे थे कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, पेवमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ पे चलना चाहिए, हमें जो जानवर जो सड़क पर होते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, रोड पर जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उनके नियमों का पालन करना, इन सभी चीज़ों को हम देखे थे कि रोड पर हमें किस किस सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकते हैं। आज हम देखेंगे बस में सेफ्टी रूल। इससे पहले एक ट्रैफिक लाइट दिया हुआ है, इसमें लिखा है रेड सेज, येलो सेज, ग्रीन सेज। तो हम इसमें बताएंगे कि रेड कलर हमें क्या इंडिकेट करता है, येलो कलर हमसे क्या कहता है और ग्रीन कलर हमें क्या कहता है। तो रेड कलर का मतलब क्या होता है, जब रेड लाइट जलेगी तो इसका मतलब क्या है, हमें रुक जाना, यानी सभी ट्रैफिक को रुक जाना है। येलो लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब ये होता है कि हमें रेडी हो जाना है, अब हमको चलने के लिए रेडी हो जाना है। और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होना है कि अब निकलना है, अब चलना है। तो इस ट्रैफिक लाइट को आप कलर करिएगा और वो लाइट हमसे क्या कहता है उसको दिए हुए जगह पर फिल करिएगा। अब देखते हैं आज हम कि हम बस में किस तरह से सेफ रह सकते हैं, स्कूल बस जो होता है उसमें हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं, इसको भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वेट फॉर द बस इन ए क्यू, बस का इंतज़ार हमेशा लाइन लगा के करना चाहिए। क्यू मतलब होता है पंक्ति बना के, लाइन लगा के, यानी एक के पीछे एक खड़े होकर, जैसे इसमें बच्चे खड़े हैं इस तरीके से लाइन बना के हमें बस का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। गेट इन टू द बस वेन इट्स योर टर्न, और जब आपका टर्न आए तभी आपको बस पर चढ़ना चाहिए, जब आपका टर्न तो बस पे चढ़ना चाहिए। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस, जब बस चल रही हो तो उसमें से उतरने का या फिर उस पर चढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द बस, और इसके साथ ही हमें चलती हुई बस से बाहर अपने सिर और हाथ को बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, जब बस चल रही हो तो उसके बाहर हमें सिर और हाथ को बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, बस में चलते समय किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए, बस से उतरते समय अपने आगे वाले को धक्का भी नहीं देना चाहिए, यानी हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देयर आर मैनी पीपल हु कीप अस सेफ, हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो हमें सेव करते हैं, उनके नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये हैं टीचर, ये क्या करते हैं, टीचर्स भी हमें सेफ रखते हैं। दूसरा क्या दिया, पेरेंट्स, पेरेंट्स की वजह से भी क्या होता है, हमें सेफ रखने में मदद करते हैं। और उसके बाद क्या है, पुलिस, ये तीन, यहाँ पे तीन डायग्राम दिया है जिनके टीचर्स क्या करते हैं, हमको स्कूल में सेफ रखते हैं, पेरेंट्स हमें हर जगह सेफ रखते हैं, हम उनके साथ रोड पे आसानी से जाते हैं, हमें घर में सेफ्टी रूल बताते हैं, सेफ रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, और साथ ही साथ ये पुलिस मैन दिया, ये भी हमें क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, ट्रैफिक के नियम बताते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से ये हमारी मदद करते हैं। अब हम देखेंगे सेफ्टी रूल एट होम, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम किसके बारे में देखें, आज हम बस के बारे में देखें, इसके पहले किसके बारे में देखे थे, इसके पहले हम सेफ्टी रूल रोड पे देखे थे। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सेफ्टी रूल एट होम। थैंक यू।